नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द काजल सुवा यूट्यूब चैनल। आप सबको शिवाजी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है शिवाजी जयंती स्पेशल। आज की इस वीडियो में हम आपको शिवाजी से जुड़े कई सारे ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले हैं जो शायद आप ना जानते हो। जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के समुद्र तक और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक एशिया खंड का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी कि उस समय का मुगल साम्राज्य जिसका अंत तक देश भर में फैला हुआ था, ऐसे में हिंदुस्तान का तो छोड़ो, पूरी दुनिया में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो मुगल साम्राज्य से टक्कर ले सके। तब मुगलों का हिंदुओं पे अत्याचार करने का सिलसिला कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। मंदिर टूट रहे थे, मूर्तियां फूट रही थी, जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा था, हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जा रहा था, गौ माता को हिंदुओं के मंदिर में काटा जा रहा था, लाखों करोड़ों हिंदुओं को काट कर मौत के घाट उतार दिया जाता था। तब ऐसे में एक व्यक्ति इन इस्लामी सल्तनत को कुचल कर साक्षात महाकाल का अवतार लेकर खड़ा हुआ, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, जिन्होंने लुप्त हो रही हिंदू सभ्यता को एक नई संजीवनी दे दी और इस साम्राज्य की धरती पर फिर से हिंदुओं का साम्राज्य खड़ा किया। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी राज महाराज बने। उनकी माता जीजाबाई जादवराव कुल में उत्पन्न एक शक्तिशाली असाधारण महिला थी। उनके पिता सहाजी राज भोसले एक शक्तिशाली सामंत राजा थे। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी राजे था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान राजा और एक रणनीतिकार थे, जिन्होंने ईस्वी सन 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कट्टर हिंदू थे और वो अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। शिवाजी की लड़ाइयों को अक्सर धर्म युद्ध से जोड़ा जाता था, लेकिन वो अक्सर अपने राज्य के लिए लड़ा करते थे। शिवाजी महाराज ने कभी भी अपने देश के मुसलमानों को अपना दुश्मन नहीं समझा था। उनकी लड़ाई बाहर से आए हुए मुगलों के खिलाफ थी। इसी वजह से शिवाजी के कई सारे मुसलमान दोस्त उच्च अधिकारी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके बुद्धिमत्ता, कुशल शासक, अदम्य साहस, कूटनीति और महान योद्धा के रूप में पूरे भारत में जाना जाता है। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी शौर्य और साहस की जीती जागती मिसाल थे। शिवाजी ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसी वजह से उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। शिवाजी महाराज का विवाह मात्र 10 वर्ष की उम्र में कर दिया था। शिवाजी की 8 पत्नियां थीं। शिवाजी महाराज महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने हमेशा महिलाओं के प्रति हिंसा और उत्पीड़न का विरोध किया। प्रतापगढ़ यानी कि रायगढ़ दुर्ग जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाई। शिवाजी महाराज को माउंट रेड यानी कि पहाड़ों का चूहा कहकर भी पुकारा जाता है, क्योंकि वह अपने क्षेत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे और कहीं से कहीं निकलकर अचानक ही हमला कर देते थे या गायब हो जाते थे। छत्रपति शिवाजी युद्ध रणनीति बनाने में बहुत ही कुशल थे। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में ही तोरणा किले पर कब्जा कर लिया था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सन 1674 में रायगढ़ में हुआ। एक बार शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ के पास सामियाने में हुई थी। अफजल खान जैसे ही शिवाजी महाराज से गले मिला, उसने हाथ में बंधा चाकू शिवाजी की पीठ में घोंपने की कोशिश की। शिवाजी ने सतर्कता बरती और अफजल खान का पेट बाघ नख से चीर दिया। 3 अप्रैल 1680 में बीमारी की वजह से शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे द काजल सुवा यूट्यूब चैनल। नमस्कार।